वेलकम बैक टू नॉर्थ वगैरह। ब्रेक पे जाने से पहले हम फरहाना से बात कर रहे थे। फरहाना आप अपनी प्लीज बात को कंटिन्यू करें। आई एम सो सॉरी वी हैड टू कंटिन्यू बिटवीन। ये भी जरूरी है। यस, मैं एक्चुअली एक वाक्य शेयर करना चाह रही थी नाम के ही हवाले से। हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक मरतबा मेरे दादा जिनका नाम हजम था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो जब आका ने नाम पूछा तो आपने फरमाया कि तुम्हारे नाम का मतलब है सख्ती, तो तुम ऐसा करो अपना नाम सहल रख लो, इसका मतलब है नरमी, तो तुम्हारे मिजाज में भी नरमी आ जाएगी। तो उन्होंने जवाब में कहा कि चूंकि ये नाम मेरे वालिद ने रखा है, मेरे दादा ने रखा है, तो मैं इसको तब्दील करना नहीं चाहता। तो उन्होंने तब्दील नहीं किया, लेकिन हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि उनके उस नाम का असर था कि वो सख्ती फिर हमने भी आई, यानी कि मिजाज की सख्ती और वो ज्यादा गुस्सा रवैये की सख्ती, तो वो कहते हैं कि वो सख्तियां फिर हमारे अंदर भी आई, हमने उसको फिर उस तरह से बरता सख्ती वाली चीज को। तो आप फरमाते थे कि अगर वो उस वक्त अपना नाम तब्दील कर ले तो आने वाले बच्चों में भी वो नरमी रहती। और इसी तरह से दीगर बहुत सारे ऐसे सहाबा किराम जिनके नाम तब्दील कर दिए करते थे आका, तो उसकी वजह से यही होती थी कि कोई ऐसा नाम ना रखो कि शख्सियत पर कोई नेगेटिव असरात आ रहे हो, या फिर वो ऐसा नाम जिसमें जो उस वक्त अरब ये किया करते थे कि अपने नाम तो बहुत भारी भरकम रख लिए और जो गुलाम उनके होते थे या खादिम होते थे उनके नाम इतने वो हल्के वाले रखते थे कि उसकी कोई अहमियत ना हो, हाँ उसकी कोई हैसियत ना हो। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा गया कि अगर वो ना पुकारे जाए तो बेहतर है, जैसे बहुत से लोग बरकत नाम रख लेते हैं और ये सोच के रखते हैं कि ये बड़ा बरकत वाला नाम है, लेकिन आका ने फरमाया कि इस तरह के नाम भी ना रखो कि जैसे कि कोई पूछे कि बरकत है और आगे से जवाब मिले कि नहीं है, तो आपने फरमाया कि वो चीज फिर कम भी हो जाती है। ऐसे अफलाहा यानी निजात वाला अफलाहा नाम ना रखो कि फिर कोई कहेगा अफलाहा है नहीं है तो निजात नहीं मिलेगी। सोचा ही नहीं कभी। अब जैसे गफूर नाम है तो लोग रख लेते हैं गफूरुद्दीन, तो आपने फरमाया कि गफूर का मतलब है कि माफ कर देने वाला, मिटा देने वाला, गुनाहों को मिटा देने वाला रब का नाम है, लेकिन जब गफूरुद्दीन नाम कर लेते हैं तो वो दीन को मिटा देने वाला हो गया। तो नाम जैसे अब्द लगा लो, इसीलिए आका ने फरमाया ना कि जो बेहतरीन नाम तुम्हारे रब को पसंद है वो अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है, लेकिन उसमें भी आपने फरमाया कि पूरा नाम लो, फिर रहमान नहीं कहो, रहमान अल्लाह का नाम है, अब्दुल रहमान कहो, अब्दुल्ला कहो, पूरा नाम लो। इसी बात पे मैं ना मुफ्ती साहब आपसे भी लूंगी कि जिस तरह अल्लाह की कई सिफतें हैं, ठीक है ना, तो उसमें से जिस तरह की अभी रहमान की बात हो रही है तो फिर क्या क्या आ जाए, क्योंकि पुकारा तो फिर इसी तरह जाता है ना, रहमान साहब ऐसे बोलते हैं ना लोग ऐसे वो, क्योंकि पूरा नाम नहीं लेते और पूरा नाम कोई बहुत बड़ा भी लगता है लोगों को, तो इन दैट सेंस क्या करना चाहिए? देखिए इसके बारे में सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई बच्चे का सिलसिला हो नाम रखने का, उसका नाम जो है वो मोहम्मद या अहमद रखा जाए। हदीस मुबारक में इसकी फजीलत का जिक्र है और वालिदैन की बख्शिश और शफात की भी इशारत है। अब यहाँ लोग ये समझते हैं, इस बात के सवाल के बाद पहले ये इसकी तमहीद बांधू मैं कि ये नाम रखने से मुराद लोग ये समझते हैं कि हम क्या फिर सारी जिंदगी मोहम्मद और अहमद ही कहते रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मोहम्मद और अहमद आपने रख दिया नाम, पुकारने के लिए अलग से नाम रखा जाएगा, ये एक रूहानी तौर पर अमल किया जाएगा जो इस पर। लेकिन बात तो ये हुई ना मुफ्ती साहब, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल रख लिया हमने मोहम्मद अली, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली, ठीक है, अब मोहम्मद अली अब सब बुला रहे हैं अली, तो नाम का असर तो फिर अली का हुआ ना? नहीं, मोहम्मद तो हमने पहले नाम रखा इस बिशारत को हासिल करने की गर्ज से कि हदीस में जिक्र है कि जिस बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा गया, इब्तदाई तौर पे तो नाम रखने का मतलब ये होता है कि मोहम्मद और अहमद रख दिया गया। अच्छा। अब पुकारने के लिए, पुकारने से मुराद ये कि अब उसका नाम जो सारी जिंदगी तमाम डॉक्यूमेंट्स में हर जगह जो यूज किया जाएगा वो नाम अलग से रखा जाए, अब वो कोई सा भी रखा जाए। असर किसका होगा? असर रूहानी तरीके से मोहम्मद का होगा सबसे पहले, नाम ही रखा गया है मोहम्मद या अहमद का, फिर बाद में। अच्छा, नाम रखने का तरीका बताएंगे, बच्चा जैसे पैदा होता है उसे कितने दिनों तक नाम रखना चाहिए? देखिए जो बच्चे का हम अकीका करते हैं वो सातवें दिन पे करते हैं। जी जी हाँ, राइट, तो नाम उसी दौरान होना चाहिए। जी, मसला ये है कि हदीस में भी जिक्र है, फुकहाए किराम इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसके सर के बाल जो है वो मुंडे हैं और उसके बराबर सोना या चांदी सदका और खैरात किया जाए और फिर उसी दिन अकीका किया जाए। आइन से अकीका होता है लोग। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया है तो आप एक ये करेंगे, मुझे इस पर मजीद इलेबोरेटेड आंसर देंगे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं और वो जानना चाहेंगे कि सही तरीका आखिर क्या है छोटे बच्चे का नाम रखना, और अगर आप बीच में भी जिंदगी में नाम बदल रहे हैं तो उस सूरत क्या करना चाहिए वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे 9:11।